हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाती हूँ कि टेबल ऑफ फिगर्स डॉक्यूमेंटेशन में इंसर्ट कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पर टेबल ऑफ फिगर्स लिख लिया है। अभी मैं डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में जाती हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे आपका चैप्टर वन है तो चैप्टर वन क्या हो सकता है, इंट्रोडक्शन। देन चैप्टर टू, इसमें हमें फिर से हेडिंग वन पे क्लिक करना है और चैप्टर टू का हेडिंग लिखना है, सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, वैसे ही अब मुझे चैप्टर थ्री कंप्लीट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी चैप्टर थ्री सिस्टम डिजाइन। सपोज इसमें मेरा एक इमेज है तो मुझे वो इमेज यहाँ पर इंसर्ट करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ इंसर्ट पिक्चर और कोई भी एक इमेज जो ऑलरेडी कंप्यूटर में सेव्ड है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके नीचे मुझे क्या देना है, इमेज का कैप्शन। तो मैं रेफरेंसेस पे क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी फिगर वन आ चुका है, ये एस डी एल सी वॉटरफॉल मॉडल है, वॉटरफॉल मॉडल। तो मैंने इसका नाम दे दिया एस डी एल सी वॉटरफॉल मॉडल वन। वैसे ही अभी मुझे दूसरा इमेज इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पर पेज ब्रेक इंसर्ट किया और अब मैं पेज नंबर फोर पे हूँ। यहाँ पे मैं आपको दूसरा इमेज इंसर्ट करके दिखाती हूँ। सपोज मैंने दूसरा इमेज सेलेक्ट किया है तो इसके नीचे भी आपको इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करना है और इमेज का नाम देना है। सपोज इसका नाम मैंने दिया एस डी एल सी टू तो ये कैप्शन इसके नीचे डिस्प्ले हो गया है। अभी मेरे पास दो इमेजेस इंसर्ट हो गए हैं तो मैं पेज नंबर टू पे जाके यहाँ पे क्या करना है, मुझे टेबल ऑफ फिगर्स इंसर्ट करना है। तो मुझे रेफरेंसेस पे क्लिक करके इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स और ओके पे क्लिक करना है। तो आपने देखा ये दो फिगर्स का नाम और उसका करेक्ट पेज नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।